गूगल उल्लेखनीय भारतीय बायोकेमिस्ट डॉक्टर कमला सोहनी की 112वीं वर्षगांठ के अवसर पर विचार पूर्वक तैयार किया गया डूडल प्रदर्शित करता है, जो इस क्षेत्र में उनके योगदान को श्रद्धांजलि देता है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा इस श्रद्धांजलि को शामिल करना उनके काम के स्थायी प्रभाव के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करता है और वैज्ञानिक समुदाय में एक अग्रणी के रूप में उनकी विरासत को और मजबूत करता है। प्रसिद्ध भारतीय बायोकेमिस्ट कमला सोहनी ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स STEM में महिलाओं के लिए एक अग्रणी के रूप में एक उल्लेखनीय विरासत छोड़ी है। वो PhD हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव रखती हैं। एक वैज्ञानिक क्षेत्र में एक ऐसा कारनामा जो वास्तव में उसके उत्कृष्ट अकादमिक कौशल के बारे में बताता है। बीन्स में पाए जाने वाले प्रोटीन के पोषण लाभों पर उनका महत्वपूर्ण शोध बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने में अमूल्य रहा है। आज हम विज्ञान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान और महिलाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए सशक्त बनाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं। डॉक्टर सोहनी के जबरदस्त अन्वेषण ने प्रत्येक पौधे की कोशिका के भीतर महत्वपूर्ण एंजाइम साइटोक्रोम सी की उपस्थिति को उजागर किया। इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन की हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव आया। सम्मानित डॉक्टर सोहनी को नीरा असोस ऑफ विटामिन सी के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत है जो कुपोषित बच्चों और गर्भवती माताओं के कल्याण को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। उनकी प्रभावशाली उपलब्धियों में बॉम्बे में सम्मानित रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की पहली महिला निदेशक होना शामिल है। कमला सोहनी ने प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करते हुए नीरा पर अपने अग्रणी शोध के लिए प्रतिष्ठित पहचान अर्जित की। इसके अलावा उन्होंने बॉम्बे में सम्मानित रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त होकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। यह उल्लेखनीय उपलब्धि उनकी असाधारण प्रतिभा और वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने की अटूट प्रतिबद्धता के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करती है, जबकि बाधाओं को तोड़ती है और क्षेत्र में महिला नेताओं की भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है।